Hello students, I am Roli. Today's topic is conclusion of VT graph. Conclusion of VT graph का first part मैंने एक example बताया था आपको, वो instantaneous velocity का. In practice, it is not possible, but we have assumed only for simplification. Okay? तो वो question मैंने पूरा कर दिया. अब ये next part है, second part. कंक्लूजन ऑफ वीटी ग्राफ. अभी तक आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल और केस पढ़े, केस को मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया, उन सब का कंक्लूजन मैंने इसमें दिया है. वैसे तो आप पिछले वीडियो में मेरे सारे देख सकते हैं, लेकिन ये कंक्लूजन सिर्फ इसलिए है कि एक रिमाइनिंग पार्ट. तो फर्स्ट इज फॉर मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. The velocity time graph is a straight line parallel to time axis. कैसे बना था? आपको velocity time graph मालूम है? Time is on x-axis, taken on x-axis, and velocity is on y-axis. तो motion with a uniform velocity. Velocity time graph is a straight line. एक straight line मिलती है, is parallel to time axis. जब कोई भी object बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है, तो जो उसकी वेलोसिटी उस पे थी, जीरो सेकंड पे थी, सपोज दैट 4 मीटर पर सेकंड, तो वही वो आगे भी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आगे भी उसी पे रहती है, तो आफ्टर 5 सेकंड वही वेलोसिटी रहती है, तो जो ग्राफ मिलता है वो हमको पैरेलल मिलता है. नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, द मोशन इज इन यूनिफॉर्म. यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, द मोशन इज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब ये क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, बट दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वेलोसिटी और टाइम से, या ये टाइम है एक्स एक्सिस पे, ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, तो इसका जो एक्सेलरेशन बनेगा, हमने बताया था कि जैसे 0 सेकंड पे वो 0 है, यहाँ स्टार्ट होते इनिशियल वेलोसिटी 0, और 1 सेकंड पे 10 मीटर और उस पे 2 सेकंड पे 20, 3 सेकंड पे 30, तो इस तरह से जो उनके बीच में 30 मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से उनके बीच में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे आएगा? चेंज इन वेलोसिटी, तो v2 - v1 और t2 - t1. तो आप सॉल्व करेंगे तो उस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, नेक्स्ट थर्ड इज इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए कर्व. तो पहले ही बताया मैंने कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एक कर्व है तो द मोशन इज विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्यों? क्योंकि जब कोई टाइम इंटरवल नहीं है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे कभी वेलोसिटी कुछ हो रही है, कभी कुछ ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसलिए वो एक कर्व के रूप में आएगा. नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट. तो जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का, एक्सेलरेशन का जो यहाँ पर भी आया है, उसमें अगर वो पॉजिटिव है, इफ द स्लोप, फर्स्ट पार्ट है द पॉजिटिव स्लोप मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. हमने आपको इसमें एक बताया भी था कि एक एग्जाम्पल एक साथ का बताया था कि एक यहाँ से यूं, तो या ये है अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट और ये है टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर, तो यहाँ से जो जा रहा है, तो ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये जो है ये निगेटिव डायरेक्शन है. तो द पॉजिटिव स्लोप मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. और बट इट इज कॉल्ड वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन. बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, जैसे आफ्टर द अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो स्टॉप हो जाती है गाड़ी, या कोई भी चीज जैसे हमने हिट की और उसके बाद वो वापस लौटती है, तो वापस लौटने पर वो रुक जाती है, तो उतने समय जो उसका टाइम इंटरवल है, उस समय में वो उसका मोशन स्लो हो जाता है, तो वो निगेटिव होता है. उसका स्लोप जो ग्राफ पे बनेगा वो निगेटिव बनेगा. तो निगेटिव स्लोप मीन्स
रिटार्डेशन, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो इट इज रिटार्डेशन। तो इसका स्लोप कैसे बनेगा, हमने इसका भी स्लोप आपको दिखाया था कि जैसे ये जीरो से ये 40 पे है, 40 मीटर पर सेकेंड है और ये स्टॉप हो जाएगी तो जीरो पे आ जाएगी, तो जीरो पे आ जाएगी यानी कि टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी विद टाइम तो रिटार्डेड मोशन होगा, वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम तो एक्सलरेटेड मोशन, और वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम रिटार्डेड मोशन। ओके, एंड सी द जीरो स्लोप मीन्स मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। जीरो स्लोप कब होता है कि जब, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने कंसोलिडेट भी दिया था कि उसका ग्राफ इस तरह से था कुछ कि यहाँ ये इंक्रीज किया, फिर वो स्ट्रेट मोशन में और फिर डिक्रीज किया, स्टॉप हुआ। तो ये जो है ये यहाँ पर यूनिफॉर्म है, तो एक तरह से स्लोप, जीरो स्लोप मीन्स मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। तो जब चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी नो, तो जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये आप एग्जांपल देखिए, अगर इस टाइप के एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएंगी। नोइंग नेक्स्ट इज नोइंग द एक्सेलरेशन स्लोप एट डिफरेंट टाइम फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर हमें एक्सेलरेशन एट डिफरेंट टाइम पे फ्रॉम वीटी ग्राफ से, अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिफरेंट टाइम पे हमको एक्सेलरेशन का पता चल जाता है, हम जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है, तो जब हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो वी कैन ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द वीटी ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ये कैसे होगा, ये इसका भी एक क्वेश्चन मैंने समझाया है आपको कि जो भी एरिया इनक्लोज्ड होगा, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल दिया था जिसमें हमने दोनों चीजें इसको ड्रॉ करके दिखाई थी, तो द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द वीटी ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट देगा तो उसका एरिया निकालना होगा, कैसे उसका एरिया निकालना होगा, द एरिया अबव द टाइम एक्सिस गिव्स द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जो यहाँ पर जो कंक्लूजन है कि जो अबव होगा, जीरो से अप होगा तो वो पॉजिटिव आएगा और जीरो से डाउन होगा तो वो निगेटिव होगा। आपको मालूम है कि एक जो नंबर लाइन शो होती है उस नंबर लाइन में मिडिल पॉइंट इज जीरो, तो जीरो और ये इधर का राइट हैंड शो टुवर्ड्स द राइट हैंड पॉजिटिव होता है और टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड निगेटिव होता है। ये तो हुआ नंबर लाइन की बात, बट अगर हम इसको ही ग्राफ में शो करें तो ग्राफ में भी, ग्राफ में हमने आपको जब ग्राफ साइन कन्वेंशन बताया था तो उसमें बताया था कि किसी में भी जब अप जाएंगे तो प्लस में होगा वाई एक्सिस और डाउन जाएंगे तो माइनस में होगा। ये साइन कन्वेंशन आप देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। द एरिया अबव द टाइम एक्सिस गिव द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाइल द एरिया बिलो द टाइम एक्सिस गिव द निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो जो अप जा रहा है एक एरिया तो वो पॉजिटिव में जा रहा है, जो उसके अपोजिट जा रहा है तो वो निगेटिव में हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन इसमें अनिवार्य है। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। ओके, थैंक यू।